रैली क्षेत्र में होने वाला 20वां पुण्य विवाह समारोह की तैयारियां पूर्ण रूप ले चुकी हैं और वहीं सागर के जिम्मेदार अधिकारी आईजी कलेक्टर एसपी के साथ अन्य अधिकारियों ने गढ़ा कोटा रहस्य मेला प्रांगण पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि शनिवार को होने वाले विवाह समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गढ़ा कोटा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री की व्यवस्थाओं को लेकर गढ़ा कोटा प्रशासन के साथ सागर आईजी, जिला कलेक्टर, सागर एसपी तरुण नायक ने मोर्चा संभाल लिया है। गढ़ाकोटा में आयोजित राज्य स्तरीय कन्यादान समारोह में आशीर्वाद देने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मध्य प्रदेश सरकार के अन्य मंत्रीगणों की उपस्थिति भी होगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के रहली विधानसभा क्षेत्र के गढ़ाकोटा में होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में एक ही छत के नीचे 2100 कन्याएं अपने नए दाम्पत्य जीवन में बंधेंगी। गौरतलब है कि मंत्री भार्गव द्वारा ये सामूहिक विवाह सम्मेलन का 20वां वर्ष है। अभी तक मंत्री भार्गव 21,000 कन्याओं के धर्मपिता बन चुके हैं। बता दें कि इस विवाह समारोह को विधानसभा के लोगों को स्थान मिला था। भाजपा नेता अभिषेक भार्गव ने कहा कि यह अनोखा और भव्यता से मनाए जाने वाला एकमात्र प्रदेश का कन्यादान समारोह होगा, जहां 2100 कन्या का विवाह एक ही छत और एक मंडप के नीचे होगा। तैयारी क्या है मामला पूरा? देखिए, जो एक कार्यक्रम है सामूहिक विवाह का, जो गढ़ाकोटा में संपन्न किया जाता है, इस बार 2100 जोड़ों का विवाह और मैंने कहा यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन संभावित है। अभी कार्यक्रम भी आ चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसी संदर्भ में तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं और एक अच्छा आयोजन हो, वर वधु कोई समस्या ना हो, उनके परिजनों कोई समस्या ना हो, इसीलिए इस बात की ध्यान रखते हुए पुलिस और प्रशासन दोनों अपने साथ तैयारी। विवाह समारोह बेहद खास है और बहुत मायनों में यह बेहद खास है। पहली बार तो इतने सारे जोड़ों का, अभी तक 2000 जोड़े किसी भी कार्यक्रम में नहीं हुए, पहली बार हमारे इस पुण्य विवाह में इतने ज़्यादा जोड़े शामिल हो रहे हैं और मुझे अभी रजिस्ट्रेशन चलते जा रहे हैं तो अनुमान यही है कि 2100 के लगभग जोड़े हो जाएंगे। और दूसरा जो कारण है इस बार के हमारे इस आयोजन के विशेष होने का, कि इसमें हमारे भैया गोपाल भार्गव द्वारा जो पूर्व में संकल्प लिया गया था 21,000 कन्याओं के कन्यादान का, उनका वह संकल्प इसी सम्मेलन में पूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि पिछले वाले सम्मेलन में 20,700 विवाह संपन्न हो चुके थे और इस बार मात्र 300 विवाह जुड़कर 21,000 हो जाते, लेकिन इस बार तो बहुत ही वृहद आयोजन हो रहा है। तो यह हम सब के लिए बड़े हर्ष की, खुशी की और गौरव की बात है कि हमारे नेता ने, जनप्रतिनिधि ने जो एक ऐसा दुष्कर संकल्प लिया था और उस संकल्प को उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है, पूर्ति करके दिखाया है। और इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से और केंद्र से हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी मंत्रीगण यहां पर पधार रहे हैं, विधायकगण, सांसदगण यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि यह अपने आप में एक बहुत अनूठा आयोजन है। 2100 जोड़े इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और